हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल वर्सेस यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में। तो सीजीएल की बहुत सारी पोस्ट हैं जिनको लेके क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। जैसे पूछा था किसी ने कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एएसओ इन एमईए, जो मिलती है एसएससी सीजीएल से, उससे अगर हम कंपेयर करें यूपीएससी ईपीएफओ को तो क्या रहेगा। ठीक है, उसमें फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट है। उसमें आप जो आईएफएस जो होते हैं, जो हमारी सिविल सर्विसेज से निकलते हैं, उनको आप असिस्ट करोगे। ठीक है, वही वर्क होता है। तो मोस्टली जो एसएससी सीजीएल है उसमें बहुत बड़ा एक वेरिएशन है। वो पूरा 2400 यूडीसी की जो ग्रेड पे है, अपर डिवीजन क्लर्क की, वहां से लेके पूरा 4800 जो डबल ए ओ की ग्रेड पे है वहां तक वो है। ठीक है, बाकी मोस्टली जो पोस्ट है उसमें वो 4600 4200 ग्रेड पे वाली हैं। ठीक है, तो पोस्ट दोनों एक जैसी हैं। मोस्टली जो 80 से 90% जो प्रोफाइल्स हैं एसएससी सीजीएल में वो भी लगभग सेम डेस्क जॉब हैं यूपीएससी ईपीएफओ की तरह। यूपीएससी ईपीएफओ में अभी जो फॉर्म निकला है वो ईओ और एओ का है। ईओ जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर, आपको पता है कि मोर फील्ड जॉब है। ठीक है, आपको अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और आपको चेक करना है कि पीएफ उन्होंने सही तरीके से वो कलेक्ट कर रहे हैं नहीं, या भर रहे हैं या नहीं। ठीक है, यही आपका काम है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के रूप में जो अकाउंट्स ऑफिसर एओ जो पोस्ट है उसमें आपको चेक करना है कि उनके अकाउंट सही से मेंटेन है या नहीं, तो वो डेस्क जॉब है। और एनफोर्समेंट ऑफिसर उसी चीज को आपको जाके चेक करना है, ऑडिट के थ्रू चेक करना। तो एक तरीके से वो दोनों सेम ही चीज है और उसी तरह की प्रोफाइल लगभग जो है, जो बहुत ज्यादा डिजायरेबल जॉब्स होती हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स इंस्पेक्टर, कस्टम एग्जामिनर, ठीक है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल सेक्रेटरेट, और एमईए में, एएसओ रेलवे में, तो ये सब जो जॉब्स हैं एसएससी सीजीएल की, यूपीएससी ईपीएफओ की, तो देखा जाए एक तरीके से सेम ही है। ऐसा रोज नहीं होगा कि इनकम टैक्स में आप हो तो आप रोज आप रेड मारने जाओगे, या फिर ईडी में रोज आपको किसी को इंटरोगेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी रिया चक्रवर्ती और सारे केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आते हैं केस, आपको मुख्यमंत्री को भी किसी राज्य के इंटरोगेट करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, किसी बहुत बड़ी हस्ती के घर भी आप रेड मारने इनकम टैक्स में जा सकते हैं, उसे उस टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा हमेशा होगा। ठीक है, तो मोर ओवर वो वैसी ही जॉब है जैसी कि ईपीएफओ ईओ है। ठीक है, और अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की और एग्जाम लेने वाली एजेंसी का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, तो देखिए जॉब जो है एक जैसी है। अगर थ्रिल आपको थोड़ा चाहिए कि मुझे थ्रिल चाहिए लाइफ में, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, तो उसी के लिए लोग इनकम टैक्स और कस्टम्स और इन सब के पीछे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पीछे जो एसएससी सीजीएल में पूरी है दौड़, वो इसी चीज की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हर दिन ही थ्रिल होगा, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, डेस्क जॉब भी हो सकती है, आपको फील्ड भी मिल सकता है। कभी आपको इनकम टैक्स में रेकी करने के लिए बोल दिया जाए, उसमें जो दो पोस्ट हैं, जो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है और जो नार्कोटिक्स में है, वो फील्ड जॉब है, वहां अधिकतर आपको फील्ड का ही काम करना है। लेकिन बाकी जो जॉब्स हैं, ठीक है, उनमें मोर ओवर वो डेस्क जॉब है, अधिकतर आपको ऑफिस में ही करना है, फील्ड जॉब भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर वो डेस्क जॉब है। तो थ्रिल मिलेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रोज का हो। वो मोर ओवर यूपीएससी ईपीएफओ ईओ की जो जॉब प्रोफाइल है उसी की तरह की जॉब्स हैं ज्यादातर, 80 to 90% एसएससी सीजीएल में, और पता नहीं है कि आपको कौन सी मिले लास्ट में जाके, तो वो लगभग वैसा ही है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो होता है एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न में यूपीएससी और बैंक, ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, यूपीएससी और आईबीपीएस, कि ये जब जो एग्जाम बोलते हैं तब वो ले लेते हैं, जब रिजल्ट की डेट देते हैं तब रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, अभी तक का ऐसा एक्सपीरियंस इनका है। एसएससी का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि दो दो तीन तीन साल तक रिजल्ट भी अवेटेड रहते हैं, कभी हुए हुए एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर वो रिजल्ट आता है तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर कोई स्टे लग जाता है, कुछ हो जाता है, और लास्ट में पोस्टिंग मिलते मिलते 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी जो है वो मोर एफिशिएंट है। अगर हम कंपेयर करें, अगर जॉब प्रोफाइल मोर ओवर जो है वो सेम है, तो हमको ये देखना चाहिए कि कराने वाली एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो यूपीएससी की तरफ आपको ज्यादा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि
क्योंकि यूपीएससी ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, और वो आपको जॉब देगी अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा से बोला है कि यूपीएससी की जो पोस्ट है, ठीक है, वो अगर आप उसके लिए तैयारी करते हैं तो वो जरूर आपको मिलेगी। एसएससी जैसा या और किसी जो स्टेट वाइज जो एजेंसीज होती हैं उनके पेपर बहुत खिसकते हैं, बहुत कुछ होता है, वैसा यूपीएससी में होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पोस्ट मिलेगी, इतना आप यूपीएससी मानिए। तो अगर एक जैसी पोस्ट लगभग मिल रही है दो एजेंसी से, तो हमको यूपीएससी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एसएससी सीजीएल में भी अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है, जैसे कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, ईडी है, या सीबीआई है, या जो भी है, ठीक है, अगर वो भी आपकी ड्रीम जॉब है, तब भी मैं कहूंगा अगर आपने ईपीएफओ ईओ का फॉर्म भरा है तो आपको जरूर उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। सीजीएल में एक बार आप पोस्ट में आ जाएंगे तो सैलरी भी जो हाईएस्ट ग्रेड पे है एसएससी सीजीएल से ऑफर होने वाली 4800 वो ईओ में है, ठीक है। तो सैलरी तो आपको एसएससी सीजीएल की सारी पोस्ट से ज्यादा ही है, ठीक है, डबल ईओ के सेम और बाकी सारी पोस्ट से ज्यादा ही है। तो आपको फोकस करना चाहिए और ईओ निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर फिर भी आपकी ट्रेनिंग नहीं होता पूरा तो आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक जॉब आपके हाथ में होगी। एसएससी सीजीएल का आज जो लेवल है वो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इतना चला गया है कि आप उतनी तैयारी में सिविल सर्विसेज भी क्रैक कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा वो लेवल है। तो तैयारी आप कीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ईपीएफओ ईओ अगर आपने भरा है तो उसकी तरफ आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम बात करें एपीएफसी की, तो एपीएफसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसकी फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है, बिल्कुल उसकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, और जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं अगर किसी और कंट्री से हमारे, तो उसको सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। बल्कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस की जो संस्थाएं हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में आप पार्ट ले सकते हो, यानी वहां पे आपको एक जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन कंपनी उन संस्थाओं को आप ज्वाइन कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद में। तो वो एक बड़ी पोस्ट है, उसका कंपैरिजन हम एसएससी सीजीएल या ईपीएफओ ईओ से नहीं कर सकते, ठीक है। उसका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो सिविल सर्विसेज से करेंगे, तो वो चीज अलग हो जाती है। तो एपीएफसी की जहां तक बात है वो अलग है, उसकी फॉरेन पोस्टिंग भी होती है, उसके प्रमोशन वो सब चीजें जो है वो सिविल सर्विसेज के इक्विवेलेंट है, ठीक है, और बाद में भी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अच्छे उसमें बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो एपीएफसी अगर आता है 2021 में, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है, तो उसकी उसमें थोड़ी एज लिमिट भी ज्यादा होती है, तो उसकी तैयारी तो बिल्कुल आप कीजिए ही। लेकिन जहां तक सवाल है एसएससी सीजीएल और ईपीएफओ ईओ का, उसमें भी मोर ओवर सेम जॉब होने की वजह से यूपीएससी पे मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। सीजीएल में भी मिलेगा, लेकिन पता नहीं है कब मिलेगा, ठीक है। तो और अगर किसी पोस्ट का आप चाहते हैं, किसी पोस्ट वाइज पर्टिकुलर पोस्ट का मैं आपको जो प्रोफाइल और सब शेयर करूं, तो आप बताइएगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है मैं वन बाय वन लेता रहूंगा, आप कमेंट्स में बताते रहिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमारी इंग्लिश और मैथ्स की रेगुलर क्लासेस है वो कल से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।